इस वीडियो में 13 काम बताए गए हैं जिनसे मेंटली स्ट्रांग लोग बचकर चलते हैं। यदि आप भी इनसे बचकर चलते हो तो आप बेहतर और सही मेंटल पावर डेवलप कर लेंगे जो आपको आपकी लाइफ में सक्सेस और खुशियां पाने में मदद करेंगे। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बुक में बताए गए मेन कॉन्सेप्ट्स की ओर चलते हैं, जो है मेंटल स्ट्रांग लोगों का पहला काम। वे खुद के लिए दया महसूस करने से बचते हैं। मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों की एक पहचान ये होती है कि वे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी खुद पर दया करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। इसे एक एग्जांपल से क्लियर रूप से समझते हैं। अमेरिकन लॉन्ग डिस्टेंस रनर मार्ला रन्यान को ले, जिसे 9 साल की उम्र में स्टारगार्ड की बीमारी का पता चला, जो एक डिजेनरेटिव डिजीज है जिसकी वजह से उन्हें तेजी से कम दिखना चालू हो गया। इतना हो जाने पर भी रन्यान ने दौड़ने के पैशन को डेवलप किया और 1992 और 1996 के पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए कई मेडल जीते। वह ऐसा कर पाई क्योंकि उसने खुद पर दया करने से इनकार कर दिया। उसने हमेशा अपनी बीमारी को एक मौके के रूप में देखा। इसी मौके ने उसे वर्ल्ड क्लास एथलीट बना दिया। आगे मेंटली स्ट्रांग लोगों का दूसरा काम, दूसरों को अपने पर हावी मत होने दें। इसे दो एग्जाम्पल से क्लियर रूप से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैडोना का है। 10 मिलियन से ज्यादा एल्बम की कॉपी बिकने से कुछ समय पहले मैडोना को ज्यादातर रिकॉर्ड कंपनियों से रिजेक्शन मिल चुका था, पर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और ना ही किसी के बोलने से खुद के बारे में अपनी राय बदली। दूसरा एग्जाम्पल ओपरा विनफ्रे का है। ओपरा ने एक लंबा समय गरीबी में गुजारा और उन्हें कई बार सेक्सुअल अब्यूज का सामना करना पड़ा। अपनी उम्र के 14 साल में वे प्रेग्नेंट हो गई। बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद ही बच्चे की मृत्यु भी हो गई। इस डिफिकल्ट टाइम में गरीबी के कारण लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन ओपरा ने अपना टाइम इस बात की चिंता में बर्बाद नहीं किया कि दूसरे उसके बारे में क्या बोलते हैं। इसके बजाय उन्होंने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की और टीवी न्यूज एंकर के रूप में जॉब पाई। हालांकि कुछ ही समय बाद उन्हें निकाल दिया गया क्योंकि लोगों ने उन्हें माहौल के हिसाब से सुटेबल नहीं माना। इतना होने पर भी दूसरों की राय से उनकी हिम्मत नहीं टूटी, बल्कि उन्होंने पहले से ज्यादा मेहनत की और खुद को डेवलप करके मेगा सक्सेसफुल टॉक शो से फेमस हो गई। शायद ही किसी ने अपनी लाइफ में इतना बुरा फेस देखा हो जब गरीबी के कारण किसी को आलू के बोरे पहनने पड़े हो, लेकिन ऐसा एक समय था जब ओपरा को यह करना पड़ा। ओपरा ये कैसे कर पाई, चलो जानते हैं। ओपरा ने उन सारे लोगों को माफ कर दिया, वो भी बिना किसी शर्त के, क्योंकि दूसरों को माफ करना आप में आपकी एनर्जी को बचाए रखता है। जबकि ज्यादातर लोग ऐसे सिचुएशन में गुस्सा और आक्रोश जैसे इमोशंस के शिकार हो जाते हैं। वास्तव में इस तरह की नाराजगी से सामने वाला आपकी शक्ति से खेलकर आपके कॉन्फिडेंस को कम कर देता है। इसलिए दूसरों को माफ कर देने से आप अपना फोकस आप पर वापस लगाकर खुद की शक्तियों को बनाए रख सकते हैं। आगे मेंटल स्ट्रांग लोगों का तीसरा काम, परिवर्तन को गले लगाएं। जज ग्रैग मैथिस मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का एक बड़ा एग्जाम्पल है। जब वे टीनेजर थे तो उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, पर उन्होंने अपनी माँ से मरते समय यह वादा किया था कि वे बदल जाएंगे। प्रोबेशन पर जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने मैकडोनल्ड्स में काम करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने ईस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी और बाद में लॉ स्कूल में भी एडमिशन लिया। हालांकि एक अपराधी रहने के रिकॉर्ड के कारण उन्हें लॉयर के रूप में काम करने से रोक दिया गया, फिर भी उन्होंने और उनकी पत्नी ने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों को काम खोजने में मदद की। इतने सालों के बाद भी उनके विरोधियों ने उनके टीनेज में की गई आपराधिक अतीत को सामने लाने का मौका नहीं छोड़ा, पर डेट्रॉइट के लोग उनकी सारी सच्चाई जानते थे। आगे चलकर उन्हें जज बना दिया गया। आगे मेंटली स्ट्रांग लोगों का चौथा काम, जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में बात करने से बचे। यदि आपकी एक जरूरी अपॉइंटमेंट हो और आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आप शायद जानते हैं ये कितना निराशाजनक हो सकता है। आप सामने खड़ी कारों को मन ही मन में गालियां दे सकते हैं। इस तरह करना शायद आपको अच्छा फील करा सकता है,
पर ऐसा करना आपकी एनर्जी और टाइम को फालतू बर्बाद करेगा, जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग कभी भी उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट नहीं करते जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का पांचवा काम, हर किसी को खुश करने की चिंता करना छोड़ दें। एक अमीर गांव में एक लड़का होता है, उसका नाम मूस जिंजीरिच होता है। उसने और किसी समुदाय को अमीर वैल्यू और बिलीफ सिस्टम को बता दिया, जिसकी वजह से उसे अमीर समाज से निकाला जा रहा था। उसके पास दो रास्ते थे। पहला ये कि अगर वो अपने साथ अपनी फैमिली को ले जाएगा तो उसकी माँ और बहन को भी समाज से निकाल दिया जाएगा। दूसरा ये कि वह अकेले ही समाज से निकल जाए। उसने दूसरा रास्ता चूज किया। फाइनली वो अपने समाज से बहुत दूर मिसौरी चला गया। वहाँ उसने काफी मेहनत करते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी की शुरुआत की और अपनी खुशी से शादी भी की। हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि अपने आप की सुनना, दूसरों की चिंता ना करना आपके कॉन्फिडेंस और खुशी के लेवल को और बढ़ाता है। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का छठा काम, कभी भी रिस्क लेने से ना डरे, बल्कि इस बात को लेकर अलर्ट रहे कि आप कौन से रिस्क लेते हैं। अगर आप कोई चीज पाना चाहते हैं पर उसके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो उस चीज से आप बहुत दूर हो जाएंगे। फेमस साइकोलॉजिस्ट अल्बर्ट एलिस के एग्जाम्पल से इसे क्लियर रूप से समझते हैं। एक युवा व्यक्ति के रूप में एलिस रिजेक्शन के डर से महिलाओं से बात करने से घबराते थे, पर उन्होंने रिजेक्शन कितना खराब हो सकता है इसकी परवाह किए बगैर महिलाओं से बात करने की कोशिश की। हर दिन वे बोटानिकल गार्डन गए और अकेली बैठी महिलाओं के बगल में जाकर बैठ गए। बातचीत में उन्हें उलझाने के बाद वे उनसे पूछते थे क्या वे ड्रिंक के लिए जाना चाहेंगी। कुल मिलाकर उन्होंने 130 महिलाओं से बातचीत की, जिसमें से 30 ने उनके बगल में बैठते ही वह जगह छोड़ दी। बाकी 100 लोगों को उन्होंने डेट के लिए इनवाइट किया, जिसमें से केवल एक ने प्रपोजल को स्वीकार किया और वह भी डेट पर नहीं आई। लेकिन एलिस के लिए यह कोई मायने नहीं रखता। जरूरी बात यह थी कि रिजेक्शन होने का उनका डर बिल्कुल सही नहीं था। इसलिए यदि आप अपनी मेंटल पावर डेवलप करना चाहते हैं तो उन रिस्क को देखना शुरू करें जो आपको पकड़े हुए हैं। हो सकता है कि वे उतने खतरनाक और डरावने ना हो जितना आपने सोच रखा है। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का सातवां काम, अपने अतीत पर फोकस करने की बात का विरोध करें। एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर व्योना वार्ड को ले, वह एक छोटे से गांव वारमोंट में जन्मी थी। उनके बड़े होने के साथ साथ उनके पिता ने उन्हें सेक्सुअल और फिजिकल अब्यूज किया। वार्ड ने इस अब्यूज के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, पर उसने कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की ताकि वह अपने होम टाउन से निकल सके। उसने 17 साल की उम्र में शादी कर ली और अपने पति के साथ ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने लगी। वहीं उसके परिवार के अन्य लोग अपने गांव में रहते हुए संघर्ष करते रहे। इतना सब देखने के बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि उससे जो कुछ बन पड़ता है उसे वह बदलाव लाना चाहिए। वह वारमोंट यूनिवर्सिटी गई और लॉ की डिग्री प्राप्त करने में कामयाब रही। कुछ फाइनेंशियल सहायता के साथ उन्होंने जस्टिस ट्रेवल की शुरुआत की, जो ग्रामीण इलाकों में उन परिवारों को कानूनी सेवा दे रहे थे जो डोमेस्टिक अब्यूज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। यहाँ पर वार्ड ने जो किया उस पर नजर डालते हैं। पहला तो उसने अपने अतीत को स्वीकार किया, दूसरा उन सभी को माफ कर दिया ताकि वह प्रेजेंट सिचुएशन पर अपना फोकस कर सके जिससे उसका फ्यूचर बेटर हो सके। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का आठवां काम, वे गलतियों से सीखते हैं ताकि वे फ्यूचर में उन्हें दोहराए नहीं। एग्जाम्पल के लिए रोलैंड मैसी ने जब 19 सेंचुरी के मिड में मैसाचुसेट्स के एक छोटे से शहर में एक ड्राई गुड्स की स्टोर खोली। पहला तो उन्होंने शहर के एक शांत जगह स्टोर खोलने की गलती की, दूसरा उन्हें कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेहनत करनी पड़ी, तीसरा अपनी दुकान की ओर लोगों का अटेंशन लाने के लिए उन्हें एक बड़ी परेड ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। दुर्भाग्य से परेड के दिन इतनी तेज बारिश हुई कि कोई नहीं आया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा। लेकिन मैसी ने जो गलतियां की उससे वह सीखा और फिर से वह गलती नहीं करने की कसम खाई। अगली बार जब उन्होंने मैसी ड्राई गुड्स स्टोर खोला तो उन्होंने न्यूयॉर्क शहर में एक प्राइम लोकेशन चुना, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। आगे चलकर मैसी दुनिया के सबसे बड़े चेन स्टोर में से एक बन गए। अगली बार जब आप कुछ गलत करें तो आप खुद से कुछ प्रश्न पूछकर इसे पूरी तरह से क्लियर रूप से समझ सकते हैं।
जैसे कि मैंने क्या गलत किया, मैं और बेहतर क्या कर सकता था और मैं अगली बार अलग क्या कर सकता हूँ। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का नवा काम, कभी दूसरों की सक्सेस से नाराज ना हो। आप बुरा फील कर सकते हैं जब आप किसी को सक्सेसफुल देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसा सोचते हैं। इस तरह ईर्ष्या करना आम बात है। साइकोलॉजिस्ट मीरा सिकारा ने 2013 की एक स्टडी में पाया कि लोग न केवल अन्य लोगों की सफलता से दुखी हो जाते हैं, बल्कि लोग उस समय भी आनंद लेते हैं जब कोई सक्सेसफुल आदमी किसी तरह के बैड लक की वजह से फेल हो गया हो। यदि आप अधिक सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों की सफलता से होने वाली ईर्ष्या को दूर करना होगा। इसे एक एग्जाम्पल से क्लियर रूप से समझते हैं। चॉकोलेटियर मिल्टन हर्से का एग्जाम्पल लें। उनके एक एम्प्लॉय एचबी रीज ने उसी शहर में एक कैंडी कंपनी की शुरुआत की। ऐसा उन्होंने तब किया जब वे हर्से की चॉकलेट फैक्ट्री में काम कर रहे थे। इस बात पर हर्से नाराज होने के बजाय उन्होंने रीज को अपना पूरा सपोर्ट दिया। रीज ने अपनी स्पेशल कैंडी और पीनट बटर कप को क्रिएट किया और हर्से की फैक्ट्री ने उन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए मिल्क चॉकलेट दिए। दोनों व्यक्ति जीवन भर एक दूसरे का सहयोग करते रहे और उनकी मृत्यु के बाद दोनों कंपनियां मर्ज हो गई। यदि दोनों लोगों ने एक दूसरे की सफलता को ईर्ष्या के साथ देखा होता तो वे एक दूसरे के खिलाफ बेकार की लड़ाइयां करते रहते, लेकिन वे एक दूसरे की ताकत और विचारों को सपोर्ट करके मजबूत और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का दसवां काम, वे शुरुआत में फेलियर होने की वजह से हारी नहीं मानते। हम सोचते हैं कि लोगों को सफलता अचानक से मिलती है, जैसा सिंड्रेला को परी ने एक जादुई छड़ी घुमाकर एक राजकुमारी में बदल दिया। लेकिन रियल लाइफ की कहानियां परियों की कहानियों की तरह नहीं होती, जबकि सच्चाई ये है कि किसी व्यक्ति को सक्सेस बहुत लंबे फेलियर के बाद मिलता है। इसलिए मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों को पता होता है कि वे अपने फेलियर से आगे कैसे बढ़े। इसे समझने के लिए थॉमस एडिसन से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है। वह इतिहास के सबसे महान इन्वेंटर में से एक थे। उनकी सबसे फेमस इन्वेंशन लाइट बल्ब है। इस खोज ने पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। लेकिन एडिसन ने इलेक्ट्रिक पेन के साथ ही एक गोस्ट मशीन का भी इन्वेंशन किया था। यदि आपने इस इन्वेंशन के बारे में नहीं सुना है तो जान लो ये दोनों पूरी तरह से फेल रहे थे। फिर भी एडिसन ने इन प्रयासों को फेल नहीं माना, इसके बजाय उन्होंने इसे सीखने के अवसर के रूप में देखा। साथ ही हर बार जब वे फेल हुए तो उन्होंने खुद को सफलता से केवल एक स्टेप दूर माना। इसलिए फेलियर के डर पर काबू पाने के लिए आपको खुद पर दया करना और दूसरों से सिंपैथी लेना बंद करना होगा। इस बात से आप फेलियर के बारे में आपके सोचने के तरीके को बदल सकते हैं। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का ग्यारहवां काम, अपने अकेले होने के डर का सामना करें। हम में से ज्यादातर लोग पूरे दिन शोर से घिरे रहने के आदि होते हैं, पर मेंटली रूप से स्ट्रांग लोग अकेले में समय बिताने से डरते नहीं हैं। वे जानते हैं कि शांत समय में उन सारी बातों पर सोचा जा सकता है, जैसे खुद में सुधार लाना या खुद को मोटिवेट करना। और यदि आप अपने गोल को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो तो इस बात को गहराई से सोचकर सुधार करना जरूरी है। और फाइनली ऐसे समय का यूज आप अपने नए गोल और नए सपनों के बारे में सोचने के लिए कर सकते हैं। आपको जितने भी दिमाग में आइडिया आते हैं उन सब बातों को आप भूल ना जाएं, इसलिए एक बुक में इसे लिख कर रखें। आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का बारहवां काम, अपनी इमोशंस पर कंट्रोल ना छोड़ें। सांस लेने की कठिनाइयां, ट्यूमर, अनिद्रा, पुराने दर्द और हार्ट रिलेटेड जैसी समस्याएं, मेडिटेशन करने से इन सब बीमारियों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। यदि आप अभी भी शरीर पर मेडिटेशन की शक्तियों के बारे में संदेह कर रहे हैं तो आप डचमैन बीम हॉफ को देखें, जिसे आइसमैन के रूप में जाना जाता है। हॉफ ने अपने शरीर को अत्यधिक ठंड का सामना करने के लिए मेडिटेशन के माध्यम से खुद को ट्रेंड कर रखा है। इसके लिए वह नियमित रूप से बर्फ के पानी से नहाने में एक घंटे से अधिक समय बिताते हैं और माउंट एवरेस्ट पर बिना कुछ पहने ही आधे घंटे तक खड़े रह सकते हैं। आज मोटिवेशन को आमतौर पर इस तरह के प्रोफेशनल लोग एक पावरफुल टूल के रूप में पहचानते हैं।
आगे मेंटली रूप से स्ट्रांग लोगों का 13वां काम, कभी भी तुरंत रिजल्ट की उम्मीद ना करें और धैर्य करना सीखें। 1972 में लोगों पर स्टडी की गई। लोग नए साल में जितने भी काम करने का संकल्प करते हैं उसे करने में वे सफल हुए कि नहीं, और अंत में स्टडी में पाया गया कि 25% लोगों ने 15 हफ्तों के बाद ही उस काम को करना बंद कर दिया। 1989 के एक कॉमन स्टडी में यह पाया गया कि यह संख्या घटकर केवल एक हफ्ते रह गई थी। आगे ऑथर ने कुछ रूल्स बताए हैं जिससे आप अपने गोल को आसानी से पा सकते हैं। सबसे पहले यह मत सोचो कि यह करना बहुत सिंपल होगा। शुरुआत से ही आप ये मान के चलिए कि आपको आपके गोल को पाने का रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होगा। यदि आपका गोल आपकी बुरी आदतों को छोड़ना है, जैसे कि सिगरेट छोड़ना, ये आदतें जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहराई तक या हमारी बिहेवियर से जुड़ा है, इसलिए आपके सफल होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप यह मानकर चलते हैं कि इसे छोड़ना आपके लिए बहुत कठिन होगा। दूसरा ये कि अपने गोल तक पहुंचने के लिए कोई फिक्स डेडलाइन ना बनाएं, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं एक बुरी आदत को 21 दिनों में ठीक किया जा सकता है। कई और लोग भी दावा करते हैं आपको 101 दिन भी लग सकते हैं। तीसरा ये कि यह मत सोचो कि आपके गोल को अचीव कर लेने से आपकी लाइफ में अचानक से सब बदल जाएगा। माना आपने अपना वजन घटा लिया है, अब इससे यह उम्मीद ना करने लगे कि आपको तुरंत इस वजह से प्रमोशन मिल जाएगा या कोई नया लवर ही मिल जाएगा। इन तीनों स्टेप को फॉलो करने से आप निराश हुए बिना लंबे समय तक अपने प्लान पर काम कर सकते हैं। हे दोस्तों, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू बुक से बताया है, जिसकी ऑथर एमी मॉरिन है। यह बुक बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है। आप किसी भी वेबसाइट से इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। लाइक करें, कमेंट करें अगर इस वीडियो में कोई बात आपको अच्छी लगी हो। शेयर करें इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आने वाली बुक समरी की नोटिफिकेशन मिल सके। आपने ध्यान लगाकर मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।